महंगाई को लेकर लगातार केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पहले कांग्रेस और अब सीपीआईएम द्वारा सोलन के पुराने उपायुक्त कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया गया। रोष प्रदर्शन में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भी दी कि समय रहते केंद्र सरकार को चाहिए कि वे बढ़ती कीमतों पर जल्द नियंत्रण करें, अन्यथा उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। रोष प्रकट करते हुए सीपीआईएम जिला सचिव मोहित वर्मा ने कहा कि रोज पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसकी वजह से जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनता का जीना दुश्वार हो चुका है। इसलिए उनके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जहां एक ओर भारत का किसान बागवान भारत की नीतियों से परेशान है, वहीं दूसरी ओर अब आम जनता भी बेहद आहत नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि रोजगार के अवसर शून्य हो चुके हैं, बाजार में मंदी का दौर चल रहा है, ऊपर से भाजपा सरकार रोज महंगाई बढ़ाने में लगी है, जिसके चलते आम जनता का जीना मुश्किल हो चुका है। आज हमारा पूरा प्रदेश के अंदर प्रदर्शन हुए हैं, पूरे प्रदेश के अंदर। इसके अंदर जो मुख्य मांगे हैं, आपको जैसे पता है, जो पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल और पेट्रोल जो है, इसकी लगातार कीमतें बढ़ रही है। साथ में जो आपने देखा होगा कि रसोई गैस जो है, हर 2-3 दिन बाद जो है उसकी कीमतें बढ़ाई जा रही है। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है, इसे जो जल्द से जल्द वापस लिया जाए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि अभी जो है 3 कृषि कानून जो पास किए गए हैं, हम लगातार मांग कर रहे हैं, और पूरे देश के अंदर जो 500 से ज़्यादा किसान संगठन है, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को जो है वापस लिया जाए। तो सरकार को ये कृषि कानून जो है वापस लेने चाहिए। इसके साथ साथ जो आपको पता है, लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है, हमारा सरकार से ये भी हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जो है इस महंगाई पर अंकुश लगाए। इसके साथ साथ सरकार ने ये प्रॉमिस किया था, जो पिछली सरकार ने भी और जो नई सरकार बनी है उसने प्रॉमिस किया था कि जो हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, और आज पूरे देश के अंदर जो है बेरोजगारी जो है वो बहुत लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा निवेदन है कि पूरे देश के अंदर पढ़े लिखे युवाओं जो है लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, उन्हें जो है रोजगार का प्रबंध करवाया जाए।